दूध पीने के बाद अगर आपका पेट फूलने लगता है या आपको गैस बनने लगती है तो इसके पीछे दूध नहीं उसे पीने का गलत तरीका जिम्मेदार हो सकता है। जी हाँ, आयुर्वेद के अनुसार खाने पीने की चीजों को लेकर कई नियम हैं, जिनका पालन न करने पर व्यक्ति को सेहत से जुड़ी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक है पानी और दूध का गलत तरीके से सेवन करना। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों दूध खड़े होकर और पानी बैठकर पीने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार दूध ठंड, वात और पित्त दोष को बैलेंस करने का काम करता है। जो लोग बैठकर दूध पीते हैं उन्हें हाजमे की दिक्कत रहती है। यही वजह है कि आयुर्वेद में रात को सोने से पहले या शाम के भोजन के 2 घंटे बाद दूध को हल्का गर्म करके खड़े होकर पीने की सलाह दी जाती है, ताकि उसके पूरे लाभ व्यक्ति को मिल सकें। खड़े होकर दूध पीने से घुटने खराब नहीं होते, मांसपेशियों के लिए फायदेमंद, कैंसर के खतरे को कम करता है, हृदय रोग व हाई ब्लड प्रेशर से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही ये आपकी आंखों व स्किन के लिए भी गुणकारी होता है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार खड़े होकर पानी पीने से फूड और विंड पाइप में होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिसका असर न केवल फेफड़ों पर बल्कि दिल पर भी पड़ता है। इसके अलावा खड़े होकर पानी पिया जाए तो पानी की मात्रा अधिक होने के कारण पेट के निचले हिस्से की दीवारों पर दबाव बनता है, जिससे पेट के आसपास के अंगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इस बुरी आदत के चलते कई लोगों को गठिया और हार्निया का शिकार होना पड़ता है। बिना रुके पानी पीने से एसिडिटी, गैस, डकारे आने जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। कभी पानी भी खड़े होकर मत पिए, हमेशा बैठकर ही पानी पीना चाहिए। अध्ययन के अनुसार पानी बैठकर पीने से पानी सही तरीके से पचकर शरीर के सभी सेल्स तक पहुंचता है। व्यक्ति की बॉडी को जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी सोखकर वह बाकी का पानी और टॉक्सिन्स यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। बैठकर पानी पीने से खून में हानिकारक तत्व नहीं घुलते बल्कि ये खून साफ करते हैं, इसलिए बैठकर पानी को पीना अच्छा माना जाता है। वहीं दूध खड़े होकर पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ।